सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी दाई है। और ये देखें जरा कोका कोला वाली बोतलें। रेडी हो गई हूँ, जा रही हम डिनर पे, दावत है भाई के घर तो वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखें जरा मेरी वैनिटी लाइट की वजह से। और यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ, अंडा लगाया है मैंने, ऊपर बंदू भी डाली है, मायोनीज और केचप। ये सैंडविच बना रही हूँ शानू के लिए, अभी मैं प्लेट से जाके खुश करती हूँ उसका, शानू का कितना मजे का नाश्ता देने वाली हूँ मैं। और ये देखें जरा, और ये देखें जरा, ये है शानू का ब्रेकफास्ट। ये बनाए हैं सैंडविच, साथ में सैलेड और साथ में चिकन नगेट्स, मतलब चिकन बिस्किट जो मैंने बनाए थे वो मैंने इसको दिए हैं साथ में। और ये मैं शानू को सर्व करती हूँ। शानू आपका ब्रेकफास्ट। थैंक यू। क्या कहोगे अपने भाइयों को, क्या पैगाम दोगे उनको? मामा आपको देती हैं बेटा, भाई का ये खाएं खाएं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैर खरीद के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट सिस्टर के लिए, सिस्टर ने जूता लेना है उसके लिए, बेसिकली शादी है, शादी के लिए फिर ड्रेसेस के साथ मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो बस अब हम नीचे चलते हैं और चलते हैं मार्केट। ये देखें जरा, यहाँ पर मैंने अपनी बेबी को रेडी किया, अभी इसके ऊपर वाली इसको शर्ट पहनानी है, जैकेट पहनानी है, बस प्रेस करने वाली इस वजह से नहीं पहनाई। वही मेरे बेबी कितना पाला तैयार हो गया, आज ही मैंने मैचिंग शूज भी पहनने हैं ना इबा, ये वाले नहीं, ये गर्मियों के लिए के आए हैं, अभी दूसरे पहनाएंगे आपको। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हम डिनर पे, दावत है भाई के घर तो वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखें जरा मेरी वैनिटी लाइट की वजह से ना मेरा ये मिरर कितना रोशन हो गया, और देखें फेस पे भी कितनी अच्छी लाइट्स आ रही हैं, बहुत अच्छी लाइट्स है। ये इसका फुल व्यू मैं आपको दूंगी अभी, बेसिकली सिस्टर रेडी हो रही हैं तो मैं नहीं चाहूँगी उनकी रेडी होते हुए मैं शूट करूँ, जैसे वो फ्री होंगी मैं आपको ये भी शो करवाऊँगी कि मिरर का वैनिटी लाइट्स कैसी लग रही हैं। और ये है कुछ व्यू वैनिटी लाइट्स का, ये 10 लाइट्स हैं और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है इसकी लाइट, फेस पे बहुत अच्छी पड़ रही है, स्किन क्लियर नज़र आ रही है, मेकअप वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाता है, जो पहले पोर्स नहीं नज़र आते थे वो सब नज़र आते हैं, तो अच्छी है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं वहाँ से। और ये देखें, ये टोटल लाइट्स एक साथ आ गई, मेरा लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, ये पके कपड़े, वो हीटर ऑन है, ये सारा व्यू है टोटल। आपको ये वैनिटी लाइट्स अच्छी लगी होंगी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी हैं। जब मैं इधर पहले ड्रेसिंग पे तैयार होती थी ना, फेस पे भी कुल लाइटें आती थी, जब देखिए मैंने ड्रेसिंग की तरफ मूव किया तो फेस कितना रोशन है, ये लाइट्स का असर है सारा। यहाँ पे जो मेरा बच्चा है ना वो ये रेडी हो गया, देखिए कितनी मैचिंग की माशाल्लाह इसकी, बहुत प्यारे लग रहा है। हाय कह दे, हाय तो नहीं किया आपने, हाय, आप कहाँ जा रही हैं? दूर मामू के घर? पैदल जा रही हैं? नहीं हम तो ऑटो में जा रहे हैं। ओके हिबा, बेबी क्या कर ले है? लूडो के ऊपर आप बैठने लगी हो, चलो क्या कलीन बिछा दिए चेयर पे। क्या कर ले मेरा बच्चा? वो देखो जोया क्या कर लिए, जोया कहाँ है? बैठ गई फिर आप चेयर पे? हाँ उधर जा रहे थे। ये देखे जरा मटन की कढ़ाई, मजेदार, क्योंकि अब्बू को ज्यादा चूरन घुला हुआ पसंद है इसलिए अब्बू के लिए ऐसा बनाया गया है। और ये आ गया सैलेड, और सबसे पहले जो है मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए हैं भूख से, साथ में ये कोक भी है। ये देखे जरा ये फिश, ये साथ में मीठी चटनी, दही की चटनी, सैलड, स्पेशल फिश बनवाई है। ओहो बारबेक्यू धुएं चेक करो, वाओ यम्मी। सर्दियों में फिश का ना मजा ही और ये बारबेक्यू वाली ना बहुत ही मजे की होती है, खुशबू जो सी ना दिल कर रहा है, बस अब वीडियो स्टॉप करो खाना शुरू करो।
सुकून मिल रहा है, अच्छी दाई है ये। ये दाई मुझे चाहिए, ये दाई मुझे दे दे ठाकुर। चले बस अब मेरी बारी, आंखें खोलूं इतना मजा, अब मेरी बारी। ओके ओके। और ये देखें जरा कोका कोला वाली बोतलें, फोकस, ये कोका कोला। और ये साथ में हम ये गंदे पापड़ जो है ना ये इंजॉय कर रहे हैं, बहुत यम्मी है। और ये मेरा बेबी, चॉकलेट नहीं है बेटा, कोका कोला है। ये सारी गंदी चीजें पसंद करती है। यहाँ पे मेरा बेबी जो है ना ये सो गया माशाल्लाह, थक गई बहुत ज्यादा। सो फाइनली हिबा को सुलाने के अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा थक गए। बेसिकली दो दिन की पहले थकावट, जो पहले हम मेजबान थे और मेहमान आए थे तो उसकी सारी थकावट, और आज हम मेहमान बन गए, वो लोग मेजबान थे, मतलब मेरे भाई मेजबान थे काफी दिन से, मतलब वो कह रहे थे अम्मी की बर्थडे से के डिनर का, बट आज हम चले गए और बहुत मजा आया। खाना बहुत मजे का था, बहुत इंजॉय किया हमने, हिबा ने भी। और कल रात मैंने लेट नाइट तक नींद ही नहीं आती, थकावट जब ज्यादा हो जाए ना थकावट की वजह से आपको नींद भी नहीं आती, और जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना मुझे ना स्वेलिंग हो जाती है। आज मुझे बहुत ज्यादा अपनी डबल चिन फील हो रही, स्वेलिंग हुई हुई है, तो बस अब नींद पूरी करूंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब टाइम हो गया है ये, मतलब 11 बज गए हैं और हिबा सो गई है, अब मैं भी सोने लगी हूँ। मैंने कहा व्लॉग को एंड करती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसके बाद सुकून से मैं भी 12 बजे तक मैक्सिमम सो जाऊंगी ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, नींद पूरी ना होना तो इंसान सारा दिन डिस्टर्ब, कोई काम नहीं होता। तो इसलिए जब मेरी रूटीन, माओ की रूटीन तो यही होती है ना, जब बच्चे सोते हैं तभी सोना है, बच्चों ने उठना तो साथ ही उठ जाना है, तो बस मेरा भी यही मूड है, अभी बस हो ये तो मैं भी फटाफट सो जाऊँ और उसके बाद जो है ना जब भी वह उठेगी तो उठूँगी। अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है, मैं सोने लगी हूँ। व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में तो बताएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग से फिर मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।